और जो भी अपने यहाँ का कोई नौजवान हो जो कि एयरफोर्स में इस तरह से जिसके साथ ये धक्का हुआ है, जिसको चिट्ठी का इंतजार था और जिसको ये मिल गया मोदी जी का फतवा। अग्निपथ के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने खोला मोर्चा। जय किसान आंदोलन के संस्थापक योगेंद्र यादव ने कहा, दक्षिण हरियाणा में पूर्व सैनिकों की होगी बड़ी रैली, गिनाएंगे अग्निपथ की खामियां। योगेंद्र यादव ने कहा, अब हरियाणा के कोटे से मैच 960 जवान ही हो सकेंगे भर्ती, जबकि बीती तीन भर्तियों में 11,900 जवान हुए थे भर्ती। बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने के लिए रेवाड़ी में बेरोजगार युवा मोर्चा का गठन। दिल्ली में एडवोकेट प्रशांत भूषण लड़ेंगे युवाओं की लड़ाई। जय किसान आंदोलन के संस्थापक योगेंद्र यादव बोले, दक्षिण हरियाणा में सबसे बड़ा नुकसान। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार को जय किसान आंदोलन के संस्थापक योगेंद्र यादव के नेतृत्व में किसान संगठनों ने अग्निपथ योजना के विरोध में रोष मार्च निकालकर राष्ट्रपति के नाम रेवाड़ी जिला सचिवालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। योगेंद्र यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना का सबसे बड़ा नुकसान हरियाणा, पंजाब व हिमाचल जैसे प्रदेशों को होगा। हरियाणा में बीते तीन भर्तियों की बात करें तो करीब 11,900 जवान भर्ती हुए थे, लेकिन इस योजना के लागू होने से यह कोटा घटकर मैच 960 रह जाएगा। यह भी कहा जा सकता है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान दक्षिण हरियाणा को झेलना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अग्निपथ की खामियां गिनाने के लिए जल्द ही रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों का एक बड़ा सम्मेलन किया जाएगा। अब आपको योगेंद्र यादव से ही सुनाते हैं अग्निपथ को लेकर उन्होंने क्या कहा और यह किस तरह से हरियाणा के अलावा अन्य राज्य के युवाओं को प्रभावित करेगा और किस तरह से दक्षिण हरियाणा में इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। बेरोजगारों के समर्थन में जन मोर्चा रेवाड़ी बना है। इसकी जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि रेवाड़ी के नौजवान अभी डरे हुए हैं, भयभीत हैं। एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें शोक के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। नौजवानों को पार्क में बैठने नहीं दिया जा रहा है, उनके घरों के ऊपर फोन किए जा रहे हैं। ये सरकार नौजवानों डरी हुई है, ये देश में पहली बार ऐसा हुआ है। जो नौजवान देश के समाज के जो निर्माता हैं उनसे सरकार डरी हुई है। उनकी जायज़ मांग, जो रोजगार का जो अधिकार है, उनकी जायज़ मांग को दमन करने ऊपर उतारू है। अग्निपथ जो आया है इसका समर्थन कौन कर रहा है? इसका समर्थन BJP, RSS, जिनके पुरखे कभी आर्मी में नहीं गए, टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी और इन पूंजीपतियों के जितने भी संगठन हैं वो इसका स्वागत कर रहे हैं कि ये अच्छी स्कीम है। और इसका विरोध आम किसान मजदूर के परिवार और उनके बेटे बेटियां इसका विरोध कर रहे हैं। सर, आपने बेरोजगार मोर्चा जो बनाया, इसका रूपरेखा क्या रहेगी, किस तरह से काम करेगी ये बेरोजगार के समर्थन में जो जन मोर्चा है? ये उन नौजवानों के साथ रहेगा, उनके ऊपर दमन होगा, आवाज़ उठाएगा और उनके अभिभावकों के बीच में जाकर गांव-गांव में सभाएं करेगा, जनसभाएं करेंगे, उनकी कमेटी बनाएंगे और जो अग्निपथ स्कीम जिसके दुष्परिणाम सामने आएंगे आ रहे हैं उनको बताएंगे और सरकार की इस अग्निपथ को वापस करवाने के लिए और साथ साथ रोजगार, स्थायी रोजगार मिले और रोजगार का अधिकार मौलिक अधिकार बने जो इस देश में पैदा हुआ है। इस देश की आज़ादी की लड़ाई जिन बहादुर लोगों ने लड़ी, क्या उनकी यही थी कि इस देश का नौजवान पढ़ लिख करके आत्महत्या कर ले? ये मौलिक अधिकार के रूप में रोजगार मौलिक अधिकार बनाया जाए, ये आज देश की जनता की नौजवानों की जरूरत है। इसके लिए आंदोलन करेंगे। अगर आज देश आज़ाद होते हुए भी अगर आप भूखे पेट को रोटी नहीं दे सकते, आप दो हाथों काम नहीं दे सकते, तो ये आज़ादी किसके लिए है? ये आज़ादी इस देश का अडानी अंबानी के लिए है, इस देश का महिंद्रा के लिए जो काख पीट रहा है कि नौजवान मेरी सिक्योरिटी में आ जाएंगे? ये आज़ादी BJP के उस विजय वर्गीय के लिए है जो कहता है BJP के दफ्तर में नौजवानों को सिक्योरिटी गार्ड लगा लेंगे? ये आज़ादी उस BJP के नेता के लिए है जो कहता है धोबी और तैली और प्रेस करना काम सिखा देंगे? ये क्या मतलब है? ये पढ़े लिखे देश के नौजवानों का अपमान है और देश का अपमान है, इसको सहन नहीं किया जाएगा। इसलिए बेरोजगारों के समर्थन में ये मोर्चा उनके साथ खड़ा रहेगा और जनता को जागृत करेगा। आज क्या कुछ मीटिंग थी, क्या कुछ एजेंडा था?
संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरे देश में आज कॉल दिया गया है कि आज जबकि अग्निपथ योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, आज के दिन देश भर में हम एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रपति जो कि फौज के सुप्रीम कमांडर भी हैं उनके नाम एक ज्ञापन दे रहे हैं। इसलिए चूंकि ये जो अग्निपथ योजना है ये इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, खिलवाड़ है इस देश की रक्षा के साथ, खिलवाड़ है युवाओं के भविष्य के साथ और खिलवाड़ है इस इलाके के साथ जिस इलाके में आज हम हैं, अहिरवाल, दक्षिण हरियाणा, हरियाणा, कुल मिला के ये किसानों के साथ षड्यंत्र है। जिस क्षेत्र ने आंदोलन किए, जो क्षेत्र खड़ा हुआ, उस क्षेत्र के खिलाफ ये संघर्ष, ये सरकार की तरफ से षड्यंत्र है। मैं खास तौर पे हरियाणा और दक्षिण हरियाणा के नागरिकों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अग्निपथ योजना के तहत ऑल इंडिया ऑल क्लास रिक्रूटमेंट का जो फॉर्मूला आ रहा है वो फॉर्मूला जब अगले 3-4 साल में पूरा लागू हो जाएगा तो हरियाणा से जो 3 से 5 हजार तक भर्ती हर साल हुआ करती थी वो घट के 1000 से कम हो जाएगी। सिर्फ दक्षिण हरियाणा से कम 1000 से ज्यादा भर्ती हर साल हुआ करती थी वो अब 150 से कम हो जाएगी। जिस इलाके ने पीढ़ी दर पीढ़ी सेना की सेवा की है, देश सेवा की है, प्राण दिए हैं, शहादत दी है, उस इलाके को अब इस देश की सेना की सेवा और देश की सेवा से वंचित करने का षड्यंत्र है। अगर अब नहीं उठे तो कब उठेंगे इस इलाके के लोग? क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है? जैसे कृषि कानून रद्द करवाए थे आप, जैसे ये अग्निपथ योजना है, तो इसे रद्द करवाने के लिए क्या कुछ प्लान है? रद्द तो होगी, रद्द ये अग्निपथ इसलिए होगी क्योंकि युवाओं को इसने अग्नि के पथ पे धकेल दिया है और वही ड्रामे होंगे। पहले कहा जाएगा मोदी जी वापस नहीं लेंगे, फिर कहा जाएगा आंदोलनकारी ये हैं वो हैं और फिर आखिर में जब सरकार के सामने सच आ ही जाएगा, जब ये देश इनको सच्चाई का आईना देखने के लिए मजबूर करेगा तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। आपके बीच में मैंने कई बार एक वाक्य बोला था, दोबारा बोलता हूँ, 3 कानूनों के बारे में मैंने कहा था मोदी जी जितना जल्दी वापस ले लोगे सस्ता सौदा होगा, जितना देरी करोगे महंगा सौदा होगा। मैं समझता हूँ अग्निपथ योजना भी यही है, सरकार जितना जल्दी वापस ले ले सरकार के लिए, पार्टी के लिए और देश के लिए सस्ता सौदा। सेना के अधिकारी तो खूबियाँ गिनवा रहे हैं, अब इसमें ये खूबी है उससे अलग है, रोजगारों को रोजगार मिलेगा बेरोजगार को। जो बेचारे, अब बेचारा ही कहूंगा, जो बेचारे जनरल बन के बैठे हैं उनके पास क्या विकल्प है? क्या वो खड़े होकर पब्लिक के बीच में बोल सकते हैं कि ना मेरी इच्छा के खिलाफ ये फैसला हुआ है? क्या वो पब्लिक को बता सकते हैं कि ये फौज के खिलाफ है? आज इस देश में बड़े पद पे बैठे लोगों की स्थिति तो इतनी असहाय हो गई। एक जमाने में जनरल मानेकशॉ था जो इंदिरा गांधी को बोल सकता था कि नहीं, युद्ध उस वक्त नहीं होगा जब आप चाहती हो, युद्ध तब होगा जब देश की सेना तैयार हो, और एक आज के जनरल। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि जिन जवानों ने इस देश के लिए कुर्बानी और लड़ाई की वो बोल रहे हैं। परमवीर चक्र विजेता बान सिंह बोल रहे हैं, परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव जिन्हें करगिल के युद्ध में मिला था वो बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं। जो बेचारे पिंजरे में बंद हैं वो तो तोते की भाषा बोलेंगे। सर, युवाओं में डर है, कहीं ना कहीं बोलने से कतरा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज होने का डर है, आखिर युवाओं के पास रास्ता क्या है इसे लड़ने के लिए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डर है। अरे भाई, जब आर्मी का जनरल आके आपको टेलीविजन के ऊपर धमकाए तो किस बेचारे युवा की हिम्मत होगी कि वो उसको तोड़ के बाहर आएगा? ये शर्म की बात है इस देश के लिए कि जो काम कल तक मंत्री किया करते थे, 2 कौड़ी के नेता किया करते थे, वो काम वर्दी वाले जनरल से करवाया जा रहा है, बहुत शर्म की बात है। लेकिन युवाओं में भयंकर असंतोष है, अब उनको उल्लू नहीं बनाया जा सकता और आप देखिएगा धीरे धीरे ये असंतोष बाहर आएगा। मेरी कामना और इच्छा सिर्फ इतनी ही है कि असंतोष हिंसक रूप से बाहर ना आए। सर, हिंसक तरीके से। पाकिस्तान के बाद अब चीन सबसे बड़ा दुश्मन है देश का, लेकिन सेना की संख्या आधी रह जाएगी कुछ समय बाद, तो इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? वही सवाल तो हम पूछ रहे हैं भाई
एक तरफ चीन अरुणाचल प्रदेश में हमारी जमीन पे गांव बसा रहा है, लद्दाख में हमारी जमीन पे पुल बना रहा है, और दूसरी तरफ हम सेना की संख्या घटा रहे हैं। अगर ये अग्निपथ स्कीम लागू हो जाएगी तो अगले 15 साल के बाद इस देश की आर्मी की टोटल स्ट्रेंथ आज की 12 लाख से घट के 6-6.5 लाख रह जाएगी। ये क्या मजाक है देश की सुरक्षा के साथ? पैसा बचाना है मोदी जी तो ये जो अपने लिए महल दिल्ली में बनवा रहे हो इस पे बचाओ, पैसा बचाना है बुलेट ट्रेन पे बचाओ। पैसा बचाने के लिए फौज मिली है आपको सिर्फ? सर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि रोजगार की गारंटी दी जाएगी जो भी यूथ इसमें अग्निपथ में जाएगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छा मजाक करते हैं मनोहर लाल खट्टर जी। हरियाणा में 2,90,000 एक्स सर्विस मैन है, जिनमें से 29,000 ने रजिस्ट्रेशन करवा के हरियाणा सरकार को कहा जी कि हमारे को नौकरी कुछ दिलवा दो। उनमें से 534 को नौकरी मिली है, संसद के आंकड़े मेरे मन के नहीं है, तो आप उनको तो दिलवा ना सके जो बेचारे 20-20 साल की सर्विस करके अनुभव लेके अंग्रेजी सीख के तकनीकी ज्ञान लेके आए हैं। उनमें से तो 2% को आप नहीं दिलवा पाए, अग्निवीरों को दिलवाएंगे? क्या मजाक कर रहे हैं आप? कितना भयभीत, जैसे युवा भयभीत है, क्या कुछ रोजगार मिल पाएगा 4 साल में, वो क्या कर पाएगा और किस तरह से मायूसी मिलेगी 4 साल में, कुछ बताएंगे? 4 साल की कच्ची नौकरी, चलिए जो नौकरी हो मैं तो उसको अच्छा बताता हूँ, लेकिन असली बात है कि देश में हर साल 60,000-80,000 पक्की नौकरी मिलती थी फौज में, उसको खत्म करके 46,000 कच्ची नौकरी दी जा रही है 4 साल की। पहले 2 साल तो वो अपने पांव टिकाएगा, किसी तरह से सीखेगा, और अगले 2 साल चिंता करेगा कि भाई मेरे को आगे कुछ मिलेगा भी ना कि नहीं मिलेगा। उस नौजवान से उम्मीद करना कि वो जाके चीन के खिलाफ -40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर लड़ाई करेगा, ये उसके साथ भी अन्याय है, देश के साथ भी अन्याय है। सर लास्ट, एसकेएम की आगे की रणनीति क्या रहेगी इसको लेकर, अग्निपथ को लेकर? संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट फैसला किया है कि नौजवानों की इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं, क्योंकि ये जो जवान है ये वर्दी पहने हुए किसान है, ये हमारा बच्चा है, और इसकी लड़ाई में सरकार अगर उन पे दमन करती है तो संयुक्त किसान मोर्चा छतरी बन के आएगा। यहाँ हरियाणा में, यहाँ रेवाड़ी में बेरोजगार समर्थक, बेरोजगारों के समर्थन में मंच बना लिया है, मोर्चा बना लिया है, ऐसे मोर्चे सब जगह आएंगे। अगर आप हमारे लड़कों पे इस तरह का अन्याय अत्याचार करोगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। लोकतांत्रिक संघर्ष से किसान आंदोलन हमारे युवाओं के लिए छतरी बन के आएगा, उनके साथ लड़ेगा। न्याय के संघर्ष में जवान किसान के साथ खड़े थे और अब किसान जवान के साथ खड़ा। महाराष्ट्र में जो हो रहा है किस तरह से देखते हैं? एकनाथ शिंदे जिस तरह से सामने आए, महाराष्ट्र वाले का ये मंच नहीं है भाई साहब बात करने का, मेरी राय तो है। आपके माध्यम से एक बात मैं और करना चाहता हूँ, वो ये कि मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से इस योजना का हरियाणा पे क्या असर होगा उसके आंकड़े देश के सामने रख लीजिए। पिछली 3 भर्ती में हरियाणा से 3200, 3600 और 5100 नौजवान भर्ती हुए हैं। अगर ये नई योजना आती है तो इस 46,000 में से हरियाणा का कोटा तो 960 का बनेगा, कितने लोग हरियाणा के भर्ती होंगे? इस साल किसी तरह से आप ढका भी लोगे तो 4 साल बाद क्या होगा? और ये दक्षिण हरियाणा, दक्षिण हरियाणा से गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इन 3 जिलों से हर साल कम से कम 1,000 से ज़्यादा जवान भर्ती होते हैं। अगर ये नई योजना आती है तो यहाँ 150 का कोटा भी नहीं बनता है। इसके बारे में पूरे तथ्य हरियाणा के सामने रखें और बताएं कि जिन इलाकों ने इतनी शहादत दी है इस देश के लिए, उस इलाकों की रक्षा के लिए क्यों नहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री खड़े हुए, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई किस तरह से देखते हैं? मेरा